सुपर 30 के रिव्यू को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो कि हमारे करंट समाज में लागू होती है, हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम की धज्जियां उड़ाती है। फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर एजुकेशनल मिनिस्टर जो है पटना का, वो एक प्लान बना रहा है और वो कह रहा है कि हम जमीन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने के बहाने खरीदेंगे, हमें सस्ती दर पे मिलेंगी और वहां पर नीचे स्तर पे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे एजुकेशनल सिस्टम बनेगा, यानी कि कोचिंग सेंटर बनेगा, उसके ऊपर बार और शॉपिंग मॉल बनेगा और उसके सबसे ऊपर बनेगा एक बैंक्वेट हॉल जो कि पटना का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल होगा। ये तो है एजुकेशनल मिनिस्टर की बात दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, आपको बताना चाहता हूं कि रियल इंडिया में भी ऐसा होता है। एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके से लैंड्स को ग्रैब किया जाता है, जिस तरीके से रियायतें मिलती हैं, वो आम बात है जो कि सुपर 30 में सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। बात करते हैं ऋतिक रोशन साहब की फिल्म सुपर 30 के बारे में। सुपर 30 दोस्तों एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही हमें एक चेतावनी मिल जाती है, वैधानिक चेतावनी डिस्क्लेमर मिल जाता है कि ये जो कहानी है ये इंस्पायर्ड बाय है, इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि सिनेमैटिक लिबर्टी को लेकर आते हैं। सो ऑल यू क्रेजी फैंस जो फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, वो प्लीज इस चीज को कहीं ना कहीं दिमाग में रखें कि ओके, ऐसा हो भी सकता था, ऐसा नहीं भी हुआ है, डायरेक्टर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट को घुमा दिया है। बात करूं अगर दोस्तों फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी सिंपल है और हम सबके सामने है, हम सब जानते हैं कि आनंद कुमार द ग्रेट मैथमेटिशियन ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से उनकी जर्नी रही, कहां पर वो पढ़ाते थे और उसके बाद कहां से उन्होंने रिटायरमेंट लेकर खुद का एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए था, और किस तरीके से वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आगे पहुंचते हैं IIT में और अपना नाम कमाते हैं। ये कहानी हम जानते हैं, उनके स्ट्रगल को हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों बात करना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, सुपर 30 के बारे में, तो विकास बहल की ये फिल्म है। विकास सर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो या फिर सुपर 30 क्यों ना हो। सुपर 30 से मैं एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुपर 30 में कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से फिल्म को बनाया होगा, सिनेमैटिक लिबर्टी को ज्यादा नहीं लिया गया होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिल्म इफेक्ट कर सकती है, कमर्शियली एंगल उसमें ज्यादा डाल सकते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे अंदर से अंदेशा हो रहा था, और ऐसा ही होता है। विकास बहल ने फिल्म की कहानी को इतना चटपटा बना दिया है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं इस पर विश्वास भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन मार्क भी अराइव होंगे कि ये क्या दिखाया हमें। ये क्वेश्चंस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ओवर एंड ऑल अगर बात किया जाए तो विकास बहल का डायरेक्शन फिल्म को आगे खींच के ले जाता है और डायरेक्शन से ज्यादा दमदार इसमें एक्टिंग आती है। बात करूं अगर दोस्तों मैं फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म का म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने। गानों को छोड़ के अगर बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं हॉन्टिंग हो जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर में दोस्तों कहीं कहीं आपको ऐसा फील होता है कि सुपर 30 ये सुपर हीरो टाइप के फॉर्म हो रहे हैं और बैकग्राउंड में वैसा ही एक म्यूजिक चलता है कि एक सुपर हीरो एंट्री कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों फिल्म के गाने बहुत ज्यादा शानदार लगते हैं, स्पेशली जोग्राफिया ले लीजिए या फिर दूसरे और सॉन्ग्स ले लीजिए जो कि कर्ण प्रिय हैं और आपके दिल को छूते हैं। बात की जाए बैकग्राउंड स्कोर की तो ये औसत है, लेकिन फिल्म की जान है ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस। ऋतिक रोशन जिस तरीके से आते हैं, छा जाते हैं, हालांकि ठीक है कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बट ऋतिक रोशन इज ऋतिक रोशन। फिल्म के अंदर उनकी एक्टिंग ही फिल्म को आगे खींच के ले जाती है और हमें उनकी स्टोरी सुनने में मजा आता है, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और साथ ही साथ मोटिवेट भी होते हैं। ऋतिक रोशन ने दोस्तों आनंद कुमार के हर एक पल को जिया है, चाहे वो जब वो कॉलेज में पढ़ते थे उस पल को, या फिर जब वो वाराणसी ट्रेन से सफर करके वीकेंड्स में जाते थे जस्ट टू रीड द फॉरेन जर्नल्स उसको, या फिर ऋतिक रोशन ने जब आनंद कुमार ने जब पापड़ बेचना शुरू किया था उस फेज को ऋतिक रोशन ने एंजॉय किया है और लिटरली अपने सारे एक्टिंग एस्पेक्ट्स को, अपने सारे एक्टिंग क्राफ्ट को हमारे सामने खोल के रख दिया है। बात की जाए दोस्तों यहां पर तो कास्टिंग बहुत ज्यादा मजबूत की है मुकेश छाबड़ा ने। मुकेश जी ने दोस्तों चुन चुन के इन मोतियों को पिरोया है और इससे एक पूरी माला बना दी है जिसका नाम सुपर 30 है। बात की जाए अगर सपोर्टिंग कास्ट की दोस्तों, इसमें पंकज त्रिपाठी जी उभर कर आते हैं।
पंकज त्रिपाठी जी की कॉमिक टाइमिंग, एजुकेशनल मिनिस्टर बने हैं, जिस तरीके से वो फिल्म को आगे खींच के ले जाते हैं, उनको जो सीन्स दिए गए हैं वो मजेदार हैं, चटपटे हैं और आप उन्हें चटकारों के साथ देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, फिल्म के अंदर आदित्य श्रीवास्तव का कैरेक्टर है जो कि आपको रियलिस्टिक लगता है, जो कि आपको 90s के विलन्स की याद दिलाता है। वहीं अगर बात करी जाए तो अमित साध का कैरेक्टर है जो कि इसमें एक जर्नलिस्ट बने हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। मृणाल ठाकुर इसमें खूबसूरत लगी है और उन्होंने काफी सारे ऐसे मोमेंट्स में हमें इंप्रेस किया है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों एक वेटरन एक्टर की, यानी कि वीरेंद्र सक्सेना की, तो उन्होंने जिस तरीके से ऋतिक रोशन के पिताजी का कैरेक्टर निभाया है, एक पोस्टमास्टर का कैरेक्टर निभाया है, वो सीन हमारे दिल को छू के ले जाते हैं और हमें इमोशनल करते हैं। फिल्म के अंदर कुछ कुछ सीन्स इतने बेहतरीन हैं कि आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। एक सीन आपको मैं बताना चाहूंगा जिसमें कि एक ऐसी प्रॉब्लम आती है ऋतिक रोशन के परिवार में, तो ऋतिक रोशन, उनके भाई, उनके पापा एक साइकिल में जाते हैं। वो सीन इतना ज्यादा मर्मस्पर्शी है कि वो सीन आपको झकझोर देगा। फिल्म के अंदर एक और सीन है दोस्तों जहां पर सारे सुपर 30 बच्चे कलेक्ट होते हैं और ऋतिक रोशन उनको मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? वो सीन में जब बैकग्राउंड स्कोर बजता है, विद्या विद्या सरस्वती माता का आवाहन होता है, वो सीन आपके दिल को छू के ले जाएगा और वो ठीक इंटरवल से पहले आएगा, जो कि आपकी जो एक एक्साइटमेंट है, जो कि एक क्यूरियोसिटी है, उसको आगे बढ़ा के ले जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे दोस्तों ऋतिक रोशन साहब की, तो ऋतिक रोशन ने फिल्म के पूरी तरीके से अपने आप को संभाल लिया है, उन्होंने पूरी तरीके से आनंद कुमार को घोट के पी लिया है। ऋतिक रोशन ठीक है, उनका मेकअप कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लगा था, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीक गॉड को उन्होंने टैनिंग रूप में प्रस्तुत किया है, एकदम लीन वे में प्रस्तुत किया है, तो वो कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको साफ दिखाई देता है कि मेकअप चेंज हुआ है, जो आपको डस्की टोन दिया गया है ऋतिक रोशन को, वो भी चेंज हुआ है। वहीं अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म में एक कमी रह गई है, वो है ऋतिक रोशन के एक्सेंट की कमी। ऋतिक सर ने एक्सेंट के मामले में थोड़ा सा ऊंच नीच किया है, बट कैरेक्टर को पकड़ने के मामले में मैं उन्हें 100 में से 100 मार्क्स देता हूं, क्योंकि वो लाजवाब है। फिल्म आपको रिलेट करेगी, फिल्म आपको इंस्पायर्ड करेगी और साथ ही साथ ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि यस, एजुकेशन सिस्टम में भी करप्शन है और किस तरीके से हमारे इंडिया में इसको एक धंधे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं बात करें दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे दिमाग में फिल्म को खत्म होने के वक्त दिमाग में घूमते हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ऋतिक रोशन का जो कलर टोन है वो क्यों बार बार चेंज हो रहा था, क्यों उनके कपड़े एकदम से सीधे साधे थे, एकदम से वो गरीब थे, लेकिन उनके भाई के कपड़े बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी थे और प्लस उनके जूते कहीं ना कहीं में आकर्षित कर रहे थे, जो कि नंदीश ने कैरेक्टर निभाया है। वहीं दोस्तों एक और सीन दिमाग में मेरे आता है कि चलिए आपने 30 बच्चों को मुफ्त शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसके बाद क्या, जब वो IIT में एडमिशन लेंगे तो उस वक्त उनकी फीस कौन चुकाएगा, राइट? वहीं उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर ये बातें बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना माहौल खुद जनता के सामने उड़ा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है भाई? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, उपजते हैं, बट कोई बात नहीं, फाइनल सेटिस्फैक्शन ये मिलता है कि ऋतिक रोशन ने बेहतरीन काम किया है और वो आपके दिल को एक बार फिर से जीत के ले जाएंगे। कहो ना प्यार है ले लीजिए, कोई मिल गया ले लीजिए, जोधा अकबर ले लीजिए या फिर काबिल ले लीजिए, ऋतिक रोशन इज अ बीकन ऑफ करेज। ऋतिक रोशन ने अपनी एक्टिंग के दम पे प्रूव कर दिया है कि वो यस, ग्रीक गॉड होने के साथ साथ अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों को जीत सकते हैं, उनका दिल, उनका विश्वास जीत सकते हैं। ऋतिक रोशन की इसी ऑनेस्ट कोशिश के लिए मैं ऋतिक सर को 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 5, पूरी फिल्म को 3.5 स्टार में बांधना चाहूंगा। आप भी फिल्म देखिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड फिल्म देखने के बाद दोस्तों आप डेफिनेटली एक मोटिवेशन फील करेंगे। कमेंट सेक्शन आपका है, जब भी आप फिल्म देखेंगे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज तो इसी तरीके के दिलचस्प रिव्यूज बताता रहेगा।